सो हेलो भाई लोग, यार कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे ना, आगे भी अच्छे रहना। तो भाई लोग यार, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड रेफरल इवेंट के बारे में, मतलब कि इसको कैसे अपने को कम्प्लीट करना है। तो भाई लोग चलो इवेंट को ओपन कर लेते हैं। इवेंट के अंदर गो टू करने के बाद में यहाँ पे सर्च हो रहा है, एंड यहाँ पे अभी अपने को देखने को मिल रहा है वेपन रॉयल वाउचर, डायमंड रॉयल वाउचर, एंड यहाँ पे कस्टम भी देखने को मिल रहा है, एंड इसी के साथ में स्कार मतलब कि इंक्यूबेटर स्कार भी अपने को देखने को मिल रहा है। सो भाई लोग यार, अपने को इवेंट कंप्लीट करने के लिए एक गेस्ट या नो आईडी ले लेना है, उसके बाद में यहाँ पे उसका यूआईडी कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद में यहाँ पे सेंड भी कर देना है, एंड उसके बाद में मैं वापस से गेस्ट वाली आईडी यानी कि नो आईडी से आ चुका हूँ। एंड भाई लोग यार, आईडी के अंदर आने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे नेम यानी कि जिसका नाम देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर अपने को करना है क्लिक। एंड भाई लोग क्लिक करने के बाद में अपने को कर देना है बाइंड, एंड बाय सिंपली भाई लोग यार बाइंड करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस कार्ड टोकन यानी कि बाउंड्री टोकन एंड फीमेल का फ्रॉक एंड पांडा का स्किन भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद में आप लोगों को सिंपली अपने रियल आईडी में आ जाना है, एंड रियल आईडी के अंदर आने के बाद में आप लोगों को यहाँ डायमंड रॉयल वेपन रॉयल एंड कस्टम एंड स्कार का स्किन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। के साथ में भाई लोग यार, अभी ये आइटम अपने को कैसे मिलने वाले इसी की भी बात कर लेते हैं। तो भाई लोग यार, अपने को सिंपली नो या गेस्ट वाली आईडी में दोबारा से चले जाना है, एंड भाई लोग यार अपन गेस्ट वाली आईडी में 5 लेवल तक कंप्लीट करते हैं तो अपने को यहाँ पे डायमंड रॉयल देखने को मिल जाएंगे, एंड यदि 7 लेवल कंप्लीट करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे वेपन रॉयल देखने को, एंड 9 लेवल पे कस्टम, एंड फाइनली अगर 12 लेवल आप लोग कंप्लीट कर देते हो तो यहाँ पे आप लोगों को स्कार का स्किन भी देखने को मिलेगा। एंड भाई लोग यार, सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे स्कार परमानेंट होने वाला है। एंड भाई लोग यार, अभी हम बात कर लेते हैं इसके टाइम यानी कि ये कितने समय तक चलने वाला है। तो भाई लोग यार, इसके टाइम की बात करें तो ये 13 अप्रैल से लेकर 24 मई तक यहाँ पे रहने वाला, मतलब ये लंबे समय तक इवेंट चलने वाला है। एंड भाई लोग यार, आप लोगों को हमारे ये छोटा सा वीडियो पसंद आया तो वीडियो